दोस्तों अभी नेक्स्ट डे मतलब आज क्या बार है, हाँ आज फ्राइडे, आज मैंने फास्ट कर रखा, आज फ्राइडे है और अभी मैं मतलब कथा है वो कर ली है और आज हेयर वॉश किया है और अभी चाय बनाऊंगी। मेरे नोज पेन गाया नई वाली है मेरे पास, लेकिन वो पता है थोड़ी बड़ी है तो वो अजीब सी लगती है। और मैंने कथा कर ली है और भाई लोग सब जूस पियेंगे, लेकिन मैं चाय बनाऊंगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो खट्टा नहीं खाते शुक्रवार में, तो मैं चाय बना रही हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे चाय बनाने के बाद। और मैं किचन में खड़ी हूँ। हाँ के नहीं आ रही, इसको डांट पड़ रही है। तू क्या कर रही है? या खुद वीडियो बना रही है? नहीं, तू तो फोन चला रहा। मेरे खुशी हो रही है और कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल मोनेटाइज हो गया, तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैं बस इंस्टाग्राम पे देखे जा रही हूँ। तो ये देखो, इसके अंदर अभी मछली है और मतलब डेली इसको मछली को दाना डालते हैं। अभी इसमें एक ही बच्ची, तीन थी, दो थी वो मतलब मर चुकी, अभी इसमें ये एक ही बची हुई है। तो इसी का मैंने वीडियो बनाया था आपके साथ शेयर करने के लिए, कैसे फुदक रही है। और सभी लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, मामा जी आए हुए थे, मामा जी का लड़का बैठा है, सभी हंसी मजाक कर रहे थे, बातों में लगे हुए थे बैठे बैठे बस। और मैं वीडियो बना रही थी सभी का। और ये देखो, ये हमारे घर में कछुआ है और ये बैठा हुआ था, इसके चलते हुए कि भी वीडियो बनाऊँगी अगर हो सका तो। और अभी ये स्वाति बैठी है, अंजलि बैठी है, कुछ स्कूल का काम कर रही थी, पेपर वर्क कर रही थी, तो तभी बोले मेरी वीडियो बनाओ एक और मैं इसकी वीडियो बना रही थी, तो ये मेरी साइड देख के हंस रही थी, कुछ बोल रही थी, मैंने इसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया। पर इधर ही अंजलि, ये भी इसकी हेल्प कर रही थी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा काम था स्कूल का कोई, तो वही कर रही थी। दोनों लोग फ्री टाइम में बैठी हुई थी, तो दीदी ने इनको बोला कि थोड़ा सा काम करवा दो, बैठी बैठी क्या कर रही हो। तो ये दोनों बस उसी रजिस्टर वगैरह में लगी हुई हैं थोड़ा स्कूल का। और ये देखो, मेरे को बोल रही थी कुछ, मैंने इसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया पर। और अभी मतलब अंजलि थी वो, उसके फ़ोन आ रहा था कॉलेज से, वो उसी से बात। अभी शाम का टाइम हो चुका है, हम लोग गए थे घूमने, हमारे पास में ही है मतलब रानी सती का मंदिर है झुंझुनू में वहीं। और ये देखो, चलती चलती हुई गाड़ी में बैठी बैठी रील बनाने लग रही थी, मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था इसी का। तो अभी हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, गाड़ी साइड में लगा दी है और मंदिर की साइड जा रहे थे। और ये देखो, अभी गाड़ी से उतरते ही स्टार्ट हो गई थी वीडियो बनाने के लिए। ये आगे आगे बहन का बेटा है छोटे वाला, वो चल रहा है, हम लोग पीछे थे। और ये सामने जो दिख रहा है यही मंदिर है रानी सती का, मतलब बहुत बार आ चुकी हूँ मैं तो, पर बच्चे नहीं आए हुए थे इसीलिए आ गए हम लोग, पहले भी आते थे। तो अभी पहुंच चुके हैं और अब पता है भीड़ बहुत थी क्योंकि है ना दीपावली के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी तो मतलब शुरुआती थी लेकिन फिर भी थी और धीरे धीरे मतलब बढ़ती ही रहेगी। पहले इतना नहीं था, मतलब इतना बड़ा मंदिर नहीं था, अब ज़्यादा है। अभी अंदर से भी दिखाऊंगी आपको, आप लोग देखना। मतलब इधर उधर पार्किंग थी और इधर भी गाड़ी खड़ी थी और ये अंजलि चल रही थी आगे आगे, मेरे साइड में बड़ी वाली दीदी थी। तो अभी हम लोग अंदर एंट्रेंस पे एंट्री कर चुके हैं मंदिर के अंदर, और अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, मतलब बिल्कुल मेन जहाँ पे माता का मंदिर था वहाँ, तो हमने बस जहाँ तक मतलब बना सके वहाँ तक का वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो एंट्रेंस था, अभी ये दूसरे एंट्रेंस ही आपको दिखा रही हूँ। और मतलब दो तीन गेट थे ऐसे घुसने के लिए, एक सामने और दिख रहा है, उससे आगे के बाद मेन मंदिर है। और ये साइड में कुछ ऐसा बना हुआ है राजस्थानी डिजाइन में सारा ही पूरा। ये देखो, ये मतलब साइड में ऊपर नीचे ना ये रहने के लिए है, जब यहाँ बड़ा मेला लगता है तो लोग आके रहते हैं। अब ये दूसरा गेट आ गया अंदर घुसने के लिए। और ये सारे रूम बने हुए हैं जो साइड में दिख रहे हैं वो रहने के लिए। और ये गणपति जी की फ़ोटो थी एंटर करते हुए अंदर दूसरे वाले गेट में, दोनों साइड एक जैसे ही है। जब शाम को लाइट चलेगी ना तब दिखाएंगे आते टाइम इसमें। और अभी ये तीसरा गेट आ गया, तीसरे गेट के अंदर घुसे ना, अब आगे जाके जो मेन मंदिर है वो आएगा। और यहाँ पे घंटा लगा हुआ था, ये तो ये मैंने बजाया था, फर्स्ट ही घंटा था, मतलब ये यहाँ पे अंदर घुसते हैं तब। और ये है मेन मंदिर,
ये देखो लाइटें जल गई थी, कितना अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा मतलब अंधेरा हुआ नहीं था, हम लोग गए तब थोड़ी देर बाद हो गया था। और ये देखो पूरा मतलब सजा हुआ था, अभी तो इतना नहीं था मतलब, अभी और आगे जब इनका मेला होता है ना तो बहुत अच्छा सजता है, तो ये मैंने कुछ वीडियो बनाई थी। और ऊपर जो है ना छत पे मतलब इसके पूरी राजस्थानी डिजाइन बनी हुई है, देखो हाथी वगैरह, ये थोड़ा सा मैंने शूट किया था छत का भी। तो ये कुछ ऐसा मंदिर था, पहले मतलब इतना नहीं था जितना अब मतलब चेंज हो चुका है पहले से, पहले इतना नहीं था जितना अब दिख रहा है। तो अभी हम जा रहे थे अंदर की साइड, और ये देखो सब पत्थर की मूर्तियाँ। तो अभी मतलब पूजा का टाइम, और जैसे हमने एंटर किया आरती का टाइम हो चुका था। और ये देखो ऊपर की छत कितनी मस्त सज रही है, ऊपर से देखो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, थोड़े साइड में जो दिख रहे हैं ना वाइट वाइट, ये पूरी चांदी की है। ये देखो ये जो दिख रहा है ना पिलर, पूरा चांदी का है, गेट वगैरह सब चांदी के ही है। इधर हम सबसे पीछे खड़े हुए थे क्योंकि भीड़ बहुत हो चुकी थी उस टाइम, आरती का टाइम था इसीलिए। ये देखो छत और साइड से, यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, बस आपके साथ शेयर करने के लिए नहीं बनाया, फिर बाहर जाके बाहर का बनाया था। और अभी मतलब आरती हो चुकी थी तो हम प्रसाद चढ़ाने के लिए गए थे। और ये पीछे की साइड था, वही मंदिर में मतलब पार्क वगैरह था, पार्क क्या था मतलब, और भी थे छोटे छोटे मंदिर, तो हम उधर की साइड चले गए थे। वो देखो व्यू कुछ ऐसा है बाहर की साइड से, अच्छा था मतलब ऑल ओवर सब बढ़िया था, पहले इतना नहीं था अब बहुत चेंज हो चुका है पहले से। मैं गई थी 2 साल पहले, 2 साल तो हो गए मेरे को गए हुए। लाइटिंग वगैरह जल चुकी थी, छोटे छोटे मंदिर है वो सामने दिख रहे हैं, वो अभी उनमें जाके आएंगे तो थोड़ी बहुत वीडियो वहाँ की भी शूट की थी आपको दिखाऊंगी। और ये भी वीडियो बना रही थी क्योंकि इसका फ़ोन चार्ज नहीं था ज़्यादा, इसीलिए इसने थोड़ा कम बनाया, बोला मेरे को भी दे देना मैं बना लूँगी फिर उसी से। और ये मैं बना रही थी, थोड़ा सा शूट किया था ज़्यादा नहीं। और इधर ये बना रही थी दोनों बुद्धू बुद्धू सी हम है। और ये देखो पत्थर पे बना रखी थी जितनी भी मूर्तियां थी ना पत्थर की कटिंग करके। और यहाँ बाहर की साइड छोटे छोटे मंदिर थे वही बस। और ये बोल रही थी मेरी वीडियो बना दो, मैं यहाँ मतलब धोख लगाऊंगी, तो धोख लगाते टाइम का तो मैं दोनों फोनों से वीडियो बना रही थी इसकी, इस वाले फोन से और मेरे वाले फोन से। छोटे छोटे बहुत मंदिर थे इधर, और चारों तरफ अब लाइट जल चुकी थी क्योंकि अंधेरा हो चुका था ना पहले से इसीलिए, तो चारों तरफ लाइटिंग थी, अच्छा लग रहा था, अच्छा माहौल था। बस ऐसे ही मन कर गया कि चलो चलते हैं, तो कहीं नहीं जा सकते फिर, कल भाई चला जाएगा। और ये लोग बस फोटो शूट करा रहे थे तभी खड़े थे सब लोग। और ये इधर भी मंदिर है, नौ नवग्रह बोलते हैं ना, नवग्रह उनका मंदिर है, नौ ग्रहों का। बस जहाँ जहाँ मतलब फोटो शूट करना अलाउ था ना वहीं किया था, और नहीं किया था क्योंकि लिखा हुआ था कि मतलब यहाँ वीडियो या फोटो बनाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ का नहीं बनाया जो जो शूट हुआ। और देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है इधर, सारे लाइटिंग ही लाइटिंग दिख रही है, और सभी लोग खड़े थे। ये नौ ग्रह हैं उनकी दूसरी बनाई थी। और ये देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना, यहाँ से कई कलरफुल निकल रहे हैं वहाँ से। थोड़ा सा ये भी शूट किया था क्योंकि अंधेरा हो चुका था, बिल्कुल मतलब पास जाके नहीं बनाने दे, तो हम दूर से ही बनाए थे सीढ़ियों से, पास कोई नहीं जा रहा था, अलाउ नहीं था इसके पास जाना, तो दूर से ही वीडियो बनाया था। और मैंने नाइट में वॉइस कर रही हूँ तो वॉइस थोड़ी कम आ रही होगी इसके लिए सॉरी। सभी लोग आ रहे थे, बैठे हुए थे यहाँ, इसी व्यू को इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम मंदिर से बाहर की साइड आ गए, और बाहर की साइड भी मतलब रानी सती माता की ही थी ये मूर्तियाँ, अलग अलग बना रखी थी छोटी छोटी, मतलब मंडल टाइप में बना रखे थे छोटे छोटे अलग अलग से।
और जो मैन मंदिर है ना वहाँ बनाने नहीं दी, वरना वहाँ की भी दिखाते आप लोगों को। और ये बाहर का व्यू है, इधर साइड में मतलब और मंदिर भी थे तो वहीं का था। और लाइटिंग अच्छी लग रही है। और ये देखो यहाँ भी गणेश जी की जो आपको प्रतिमा दिखाई थी ना, आप यहाँ पे कलरफुल पानी से चल रहे हैं ना, अच्छा लग रहा था। यहाँ भी फ़ोटो बनाई थी, अभी सभी लोग खड़े हुए थे तो थोड़ी सी मैंने वहाँ भी शूट की थी। ये छोटी बड़ी वाली दीदी का मतलब सेकंड वाली दीदी का बेटा है उनकी एक ये। और इधर अंजलि और वो स्वाति दोनों तो ये था कुछ छोटू सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब दे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हम चल पड़े थे, बाय सभी को।